हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। फर्स्टली द होमवर्क आई हैव गिवन टू यू। ओके, टिल मैंने कहा था 23 तक ट्राई करना। ओके ओके, 21 तक जी। चलो, योर प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, शो दैट मेरे पास जो प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस मेरे पास दिया हुआ है, दैट इज ए ए आर स्क्वायर सो ऑन ए आर पावर एन माइनस वन व्हेन प्रोडक्ट विद ए आर स्क्वायर सो ऑन ए आर पावर एन माइनस वन जो है फॉर्म्स एन जीपी देन फाइंड द कॉमन रेशियो। उन्होंने कहा है कि कॉमन रेशियो कैलकुलेट कीजिए। पहले तो इनका प्रोडक्ट देखें, जो न्यू सीरीज आई, ठीक है, वो क्या आई? ए ए आर स्क्वायर आर स्क्वायर सो ऑन ए आर पावर एन माइनस वन आर पावर एन माइनस वन। उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, प्रोडक्ट करना है और कॉरस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट फर्स्ट वाली, सेकंड सेकंड वाली, थर्ड थर्ड वाली। अब ये जो आ गई, उसने कहा कि शो कीजिए कि ये जो है जीपी बनाती है। अब जीपी बनाती है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? सबसे पहले T2 बाय T1 A A R R ओवर A A, ये कट गया, आंसर R आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट T3 बाय T2, हाँ जी T3 A A R स्क्वायर बाय A A R R, ऐसे कटिंग हुई, R R आया। सो एज द कॉमन रेशियो, एज द कॉमन रेशियो इज सेम, तो देयर फॉर इट इज फॉर्मिंग जीपी। और उन्होंने क्या पूछा कि आप कॉमन रेशियो भी निकाल लिए हमारे पास हो गए, तो वो तो ऑलरेडी निकली हुई है आर आर, ठीक है ना। यस इट इज फॉर्मिंग जीपी विद कॉमन रेशियो आर आर, बस ठीक है जी, लिख देना है। व्हाई इट इज फॉर्मिंग जीपी? बिकॉज द कॉमन रेशियो इज सेम। ओके बेटा, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास तो है हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 21st। फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी इन विच द थर्ड टर्म इज। अब उसने कहा कि हमें फोर नंबर्स लिखने हैं। हाँ जी बेटा, मेरे पास जो गए दे राइट की फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग जीपी इन विच थर्ड टर्म जो गए इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म जो है बाय 18। द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। दे राइट दिस। ओके, हाँ जी, प्लस सी प्लस, वो गलती से इक्वल डाल दिया। हाँ जी, अब बेटा क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वैल्यूज पुट कर देना मेरे पास। ए आर स्क्वायर ए प्लस 9, इसको इधर ले जाए, ए आर स्क्वायर माइनस ए इज 9, टेक ए कॉमन आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अभी देखते हैं इसको क्या करना, लीव इट क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, सेकंड टर्म बाय फोर्थ टर्म, लेट अस सी मेरे पास हो गए। अब सेकंड टर्म मेरे पास क्या है, ए आर माइनस ए आर 3, मैंने ये पहले इधर कर दिया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 18। अब मैं यहां से ए आर कॉमन लू,
वन माइनस आर स्केयर आ रहा है, इधर आर स्केयर माइनस वन आ रहा है। मैं जिसको मर्जी क्या करूं यहां पर, है ना, यहां से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, इसी को देख रहे हैं। तो मैंने ए और नेगेटिव साइन जो कॉमन निकाला, आई विल टेक इट ऑन अदर साइड, ओके, आई गेट माइनस 18। तो दैट मींस ए आर स्केयर माइनस वन की वैल्यू मेरे पास क्या आई, माइनस 18 बाय आर, उठ गया। अल्टीमेटली मेरा एम होता है किसी एक वेरिएबल में चेंज करना, पुट करनी है या डिवाइड कर लो, एक ही बात है। नॉर्मली बच्चे जीपीज में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करोगे तब भी वही बनेगा, पुट करोगे तब भी वही बनेगा, ओके। जब मैंने फर्स्ट में पुट किया तो मेरे पास माइनस 18 बाय आर इज इक्वल टू 9 और आर की वैल्यू माइनस 2। अगर आर आ गया, किसी इक्वेशन में आर पुट कर लो, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है जी, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? हाँ जी, चले बेटा, रिटर्न लिखा करो, ट्राई टू राइट द क्वेश्चन इन रिटर्न। मैं कर रही हूं, आप भी करो। यही प्रॉब्लम है कि पेपर में कैलकुलेशन पूरी नहीं होती है या आप छोड़ देते, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बिल्कुल बिल्कुल। एज दे राइट की फाइंड फोर नंबर, तो दैट मीन्स आपको ए पता चल गया, उसके बाद ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ओके, यू हैव टू कैल। हाँ जी, करो करो नोट, जल्दी बेटा नोट इट डाउन। टिल देन वी कैन रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। 22nd, इफ pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ एन ep इज a b c, ओके, व्हाट इज रिटन इन 22 क्वेश्चन, जो है pth टर्म इज a, qth टर्म इज b, rth टर्म इज c, मेरे पास जो है। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव, देखिए जरा, a पावर q माइनस r, b पावर जो है r माइनस p, एंड c पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1। आई नीड टू प्रूव इट। अब बेटा यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर आप कह रहे हो टी पी इज इक्वल टू ए, अब बेटा टी पी, अब देखो ए बी सी ऑलरेडी यूज है ना, तो फर्स्ट टर्म में कैपिटल ले लो, आपके लिए इजी हो जाता है। तो और किसकी बात की गई है ये याद रखना कि जीपी की बात की है कि एपी की, वो ध्यान से पढ़ा करो। एज इट इज स्पेसिफाई है कि जीपी है तो हम जीपी वाले फॉर्मूले लगाएंगे ना। यहां पर आ गया ए आर की पावर पी माइनस वन, वैल्यू ए, ओके जी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा यहां पर, ए आर क्यू माइनस वन बी हो गया, उसके बाद ए आर आर माइनस वन कितना हो गया, सी हो गया। अब बेटा देखिए यहां पर व्हाट वी हैव टू डू नाउ, यहां पर पुट करेंगे यहां पर ए बी सी लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की ए की वैल्यू कितनी है, ए आर पी माइनस वन। तो मेरे पास ए आर पी माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर। अगले बेटा बी की वैल्यू ए आर क्यू माइनस वन, तो मेरे पास क्या आएगा, ए आर क्यू माइनस वन, दैट इज पावर कितनी आ गई, आर माइनस पी। नेक्स्ट ए आर पी जो है क्यू आया था आर माइनस वन, और पावर कितनी आई मेरे पास, पी माइनस क्यू, ओके बेटा। अब क्या करेंगे यहां पर, लेट अस सी, अब कॉमन नहीं, पावर्स इकट्ठी होती है बेटा, बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो कॉमन नहीं आता कभी, है ना, हमेशा पावर्स को कलेक्ट करते हैं। ये क्यू माइनस आर दोनों की पावर्स है ना, अलग अलग करें और ए की पावर इकट्ठी करें और आर की पावर इकट्ठी कंबाइन करें, तो अब मेरे पास ए की पावर कितनी बची, क्यू माइनस आर, यहां पर क्या है,
तो वो बेस सेम है, पावर इन मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी आर माइनस पी, अगली क्या आएगी पी माइनस क्यू, ए की वैल्यू तो कटी होगी। अब आर की वैल्यू, अब मैं ना थोड़ा यहां करके लिख देती हूँ, ये सारी एक है। अब देखो आर की पावर पहले भी थी पी माइनस वन, ये पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस जो गए नेक्स्ट क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू। ओके जी, अब ये तो सारे ही कट गए, ए की पावर 0, 100% आर की पावर 0 भी आएगा, आंसर तभी 1 आएगा। और आएगा, आप ओपन कीजिए, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इधर प्लस आर आ रहा है इधर माइनस आर आएगा, ऐसे सारी टर्म्स कट जाएंगे व्हेन यू ओपन इट ना। सीधा कटिंग करोगे तो 0 नंबर वहां का मतलब स्टेप के नंबर कट जाएंगे, यही तो देखना है हमने। एक बच्चा सीधा ऐसे 0 लिख देगा, मैं तो नंबर काटूंगी ना कि बच्चे ने तो जो मैंने अभी बताया आपने वही इंप्लीमेंट किए, ऐसे नहीं करना, प्रॉपर ओपन करके कैंसलिंग दिखानी है, फिर ये आएगा, देन आंसर इज 1 इंटू 1, आंसर इज 1। ओके क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज गिवन हियर, शो दैट इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट एंड nth टर्म, इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स मेरे पास, देन प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पावर एन। मुझे ये प्रूव करना। अब बेटा देखिए, पी उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स है एन टर्म्स, यानी अगर देखें तो मेरे पास पी इज ए ए आर स्क्वायर सो ऑन ए आर एन माइनस वन है कि नहीं। अब ए ए ए कितनी बार है, एन टाइम्स है कि नहीं। अब आर देखो, आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन एन माइनस वन है कि नहीं है। हाँ जी, लास्ट टर्म अभी यूज करती हूँ ना, अभी ये कैसे है, ये वाला स्टेप बेसिस सेम है, इन मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, मैंने वही किया, बेस सेम है तो पावर सारी ऐड हो जाएंगी ना। अब देखो मेरे पास ए पावर एन, अब आर की पावर क्या आएगा, देखो ये एपी बन गया, एपी है कि नहीं है, तो क्या फॉर्मूला होता है सम का, एन बाय टू, अब एन कितना है, एन माइनस वन, एक कम है ना वैल्यू, तो एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, डी इज वन। ये बात समझ आई काव्या? बेटा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है कि नहीं। एन कितना है, एन माइनस वन मैंने वो लगाया, ए कितना है, वन वन लगाया, माइनस टू हो गया बिल्कुल, और इंटू डी, डी इज वन। अब इसको ओपन कर लो, आगे एक और शॉर्टकट बताती हूं मैं तुम्हें। हाँ जी, टू एन माइनस टू कैंसल, ए पावर एन आर पावर एन माइनस वन बाय टू इंटू एन। अब यहां पर तो बेटा आंसर आर में आ रहा है, मुझे किस में चाहिए, बी में है ना, ए तो गए
अब मुझे बी को आंसर कैलकुलेट करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, मैं बी से, बी इज ए आर पावर एन माइनस वन, ए को नीचे ले आऊं, आर निकालना है, ये पावर एन माइनस वन, वैसे तो आर की पावर एन माइनस वन है अगर आप देखो तो, मैंने ए को ही नीचे लेके गए, है ना। अब एक मिनट, अब इधर आइए जरा, हम लोग इधर देखते हैं, लेट अस सी कि मेरे पास जो है, मैं ये रब कर दूं, ऊपर वाली तो नहीं किसी को चाहिए। चलिए, मेरे पास ये हो रहा था, P इज ए पावर n, r पावर n माइनस वन, इसको ऐसे लिख सकती हूँ n बाय टू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लास्ट स्टेप को बेटा, जो लास्ट स्टेप को मैंने क्यों लिखा, आर की पावर एन माइनस वन की वैल्यू है क्या है, बी बाय ए। अब मैं पुट करने लगी हूं, बी बाय ए की पावर एन बाय टू, ओके। अब देखिए जरा, मुझे तो पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, पर पहले चलो हम पावर इकट्ठी कर लेते, बी की पावर एन बाय टू, ए की पावर एन बाय टू, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, ये आई, इसको मैं ए बी की पावर एन बाय टू, ये पी की वैल्यू है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दू, तो पी स्केयर ए बी पावर, स्केयर का स्केयर करूंगी तो वो एन ही रह जाए, ओके, एनी डाउट। लिखोगे तो स्टेप का पता चलेगा, एक मेथड तो ये था, मैं कुछ नहीं करने लगी, एक मेथड था सीधा ही आर की वैल्यू ले लू, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, आर की वैल्यू ये है। अच्छा, जब आर स्क्वायर होता है तो आर निकालना हो तो आप उधर क्या करते हो, रूट, मतलब पावर वन बाय टू कर देते हो, मतलब जो पावर होती है वो उधर जाके क्या हो जाती है, वन बाय हो जाती है। तो अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो कहना ही राइट, यस, मैं ऐसे भी कर सकते, इट इज अप टू यू, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल जो है आप कर सकते हो, ओके बेटा, वेट, क्लियर टू यू, सबको समझ आ गई, चलो डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस, आप थोड़ा, हाँ मैंने ये कहा कि अगर ऐसे वहां एडजस्टमेंट नहीं करनी तो सीधा आर की वैल्यू ये पुट कर दो और पावर्स अपने आप कटिंग होके आ जाएंगे, मैं ये बदल रही थी, ठीक है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन जो है 24th क्वेश्चन, लेट अस सी, शो दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म जो है एन टर्म्स ऑफ एन जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन टू टू एन। अब ध्यान से देखिए, रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स टू द रेशियो ऑफ एन प्लस वन टू जो है कितनी, टू एन तक टर्म्स की रेशियो, इसका आंसर वन बाय आर की पावर एन है, आर की पावर एन है, ठीक है जी। अब मेरे पास हो गए, अब देखिए यहां पर कैसे करेंगे हम लोग, सबसे बड़ी बात है अगर मैं टर्म्स देखूं, फर्स्ट टर्म ए ले लेती हूँ, कॉमन रेशियो आर ले लेती, ठीक है, सारी टर्म्स लिखी जाएंगे। अगर यहां पर देखूं तो टर्म्स क्या आएंगे, ए ए आर सो ऑन, ए आर पार एन माइनस वन, एम आई राइट। यहां पर आओ नीचे सीधा, अगर पहली टर्म टी एन प्लस वन है तो टर्म क्या बनेगी, ए आर पावर एन, यही बनेगी फर्स्ट टर्म। अगर मैंने सम लेना है टी एन प्लस वन से लेकर टी टू एन तक, तो इस सीरीज की पहली टर्म ये, सो ऑन, लास्ट टर्म क्या बनेगी, ए आर पावर टू एन माइनस। ये बात सबको समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं यहां पर। अब देखिए, यहां पर जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं,
क्या होता है जीपी का फॉर्मूला एसएन का, ए आर पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस, यही होता है कि नहीं? अब मैं ऊपर करने लगी हूं ताकि सबको विजिबल हो, ओके? तो मेरे पास यहां पर क्या आया, रेशियो ले रही हूं मैं, अब एस एन मैं डैश डालती हूं, इजी हो जाएगा, ठीक है? ये एस और ये एस डबल डैश, इसको एस और इसको डबल डैश या सिंगल डैश, जैसे मर्जी दे, ओके? अब बेटा देखिए यहां पर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले लेट अस सी सम ऑफ एन टर्म्स का जीपी का फॉर्मूला लगा रही हूं। फर्स्ट टर्म ए ही है, आर कॉमन रेशियो आर ही है और नंबर ऑफ टर्म्स भी एन ही, ठीक है? तो मेरा फॉर्मूला बन गया ये ओवर एस डबल डैश। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, अच्छा आप मुझे जरा टेंथ की बात याद करो, जब मैं कहती थी इन अ बॉक्स नंबर आर फ्रॉम 1 to 20, तो आप नंबर्स क्या बोलते थे, 20 माइनस 1, मतलब दोनों का डिफरेंस प्लस 1, आंसर इज 20, एम आई राइट? इफ द नंबर इज फ्रॉम 1 to 20, लेकिन अगर नंबर बिटवीन होता था तो क्या करते थे, माइनस तो करते ही करते थे, एक माइनस और करते थे, बिटवीन में एक माइनस, फ्रॉम में एक प्लस करते थे हम, हमने तो यहाँ फ्रॉम ही निकालना है ना, तो दैट मींस अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है मैंने तो क्या होगा, 2n माइनस है ना, और मेरे पास क्या करोगे, एक प्लस वन, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, ठीक है जी। कॉमन रेशियो, इसे अगली टर्म ए आर पावर एन प्लस वन ही होगी ना, कॉमन रेशियो तो आ रही है, लेकिन फर्स्ट टर्म चेंज हुई, वो क्या चेंज हुई, ए की जगह पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए आर पावर एन, एन सेम है, एन ही है, आर सेम है, आर ही है, लेकिन फर्स्ट टर्म क्या बन गई, ए आर पावर एन, तो दैट मींस यहां पर ए आर पावर एन r पावर n माइनस वन ओवर r माइनस कैंसल, a a कैंसल, आंसर इज दिस। कोई डाउट यहां, कौन सा ये मुझे कहा गया था जो नीचे रेशियोज लेनी है ना, हाँ मैं रब नहीं, मैं यहां लिख के बताने लगी हूं, उन्होंने कहा जो रेशियो लेनी है ना वो पता कौन सी लेनी है, ऊपर एस एन लेनी है, मतलब एन टर्म्स की, नीचे सम लेना है कौन सी टर्म्स का, टू एन प्लस वन से लेकर 2n तक। तो अगर एन प्लस वन मतलब ए आर पावर एन, इससे अगली टर्म क्या होगी, एन प्लस टू ए आर एन प्लस वन होगी, सो ऑन लास्ट टर्म ए आर टू एन माइनस वन, इन्हीं का सम लेना है ना। अब जरूरी नहीं है, मान लो मेरे पास 1000 नंबर्स आते हैं और मैं कहूंगी 1 से 1000 का सम निकाल, मैंने कहा 1 से 500 का ऊपर ले लो, 500 1 से 1000 तक का सम कहां ले लो, नीचे रेशियो ले, वही ये थी, तो वो 1001 वो मैंने नई सीरीज मान ली ना, कॉमन रेशियो तो वन ही रहना है, फर्स्ट टर्म चेंज होनी और नंबर ऑफ टर्म्स भी दोनों में इक्वली डिवाइड की ना मैंने, पर वो रिस्क नहीं लेते हम। मैं हमेशा कहती हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स देखने के लिए दोनों टर्म्स की पोजीशन को माइनस प्लस वन, ओके? समझ आ गई भी बात, एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी बेटा, रिद्धि समृद्धि युवराज हिमांशु सबको क्लियर है, चले आगे, चलिए कीजिए नोट डाउन कीजिए जल्दी बेटा। डन, गुड, वंस यू
नोट डाउन द क्वेश्चन ना, आपके लिए इजी होगा उसको समझना, क्योंकि आप लिखते तभी हो जब आपको समझ आता है, जब आप नोट नहीं करते तो वो तब समझ आ जाता है, बाद में पता ही नहीं चलता क्या किया था, है ना। तो एक बार हाथ से जरूर कैलकुलेट किया करो। चलो बेटा नेक्स्ट हम करें हम लोग, देखिए जरा मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 25। व्हाट इज रिटन इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी सी डी का स्क्वायर। ओके, अब जब भी एक चीज बताऊं, कभी भी ए बी सी डी अगर जीपी में दिए हैं और कुछ प्रूफ करने को कहा ना, उसका इजीएस्ट मेथड बताने लगे, व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट ना, आपको दिया है ए बी सी डी आर इन जीपी, तो बेटा ध्यान से, अगर ए को मैंने ए ही रहने दिया, फर्स्ट हम कोई कॉमन रेशियो आर ले ली, तो 100% ये ए आर होगी, ये ए आर स्क्वायर, ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड भी पुट करो, राइट हैंड साइड भी पुट करो, दोनों वन ए का यही रहा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, अब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करूंगी, राइट हैंड साइड में, दोनों आंसर्स क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। जीपी का करते ही ऐसे, ऑलवेज डू जीपी लाइक दिस। ये पता चला मैंने कैसे किया, है ना। अब देखिए मेरे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखिए जरा यहाँ पर मेरे पास क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर पावर 4। अब आगे इधर आ जाइए, हाँ जी, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर पावर 4, ए स्क्वायर आर पावर 6। अब क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन यहां पर, ए स्क्वायर एंड आर स्क्वायर दोनों कॉमन है। ओके दोनों, हाँ जी, क्यों आर स्क्वायर भी तो है बेटा हर एक में, नहीं फर्स्ट ये बेटा मल्टीप्लाई में, इसमें से अलग कॉमन निकालेंगे, इसमें से अलग, मल्टीप्लाई में तो दोनों ब्रैकेट्स में से हम कुछ कुछ कॉमन ले सकते हैं ना, बीच में प्लस होता ना देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके अब देखिए ए स्क्वायर कॉमन यहां पर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 + r² आर पावर 4, बोथ आर सेम टर्म्स, स्क्वेयर कर दूंगी, और ये ए पावर 4 आर स्क्वेयर 1 + r² प्लस आर पावर 4 का स्क्वेयर, सेम था ना, मल्टीप्लाई में है, सेम है, पावर 2 नहीं हो जाएगी, है ना, ठीक है क्या, नहीं क्लियर। अब दूसरी साइड ले, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, लेट अस टेक, ओ माय गॉड क्या करते हो, ए स्क्वायर, माय गुडनेस, मुझे लगता है कि मैं ना सच्ची में एक्सपोनेंट 8th क्लास में ले जाऊं, पहले उसने पूछा फिर इसने पूछा, एक्सपोनेंट नहीं आता मेरे बच्चों को। वेरी नाइस पुत्र, वाकई एक झटका देने की जरूरत है आप लोगों को। चलिए, है ना, राइट हैंड साइड, ये लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है और कुछ नहीं, दिखता सब कुछ है। ओके अच्छा अच्छा चलो वापिस वापिस, चलो अब इसमें भी वैल्यूज पुट करें, है ना, ए बी की वैल्यू ए आर ए आर ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, हाँ जी, ए स्क्वायर आर क्यूब
स्क्वायर आर पावर फाइव. नाउ व्हाट इज कॉमन हियर? ओके, ए स्क्वायर आर चेक इट, दोनों साइड्स बराबर है, ये मैंने ठीक लिखा? ओ माय गुडनेस, ठीक लिखा रहमान. बेन यू, अच्छा अगर मैं इस स्टेप की जगह ना, वेट वेट वेट, ऐसे लिख के ऐसे कर देती तब ठीक है ना? ओ माय गॉड, ये स्क्वायर रहने दिया बाहरी, इन सब में से मैंने ए स्क्वायर आर कॉमन लिया, ठीक है, वो भी मेरा स्टेप है. इसके अगला स्टेप पुत्र यही आएगा, अगला स्टेप तो यही आएगा. यस मैम, ने एक स्टेप खा लिया तो आपको कंफ्यूजन हो जाती है. चलो समझ आ गया. अब प्लस वन में स्टेप खाने की जरूरत होती है, प्लस वन में हम ऐसे कोई स्टेप के नंबर नहीं काटते हैं, फॉर्मूला नहीं लगा नंबर काट लो ना, ना वो जब जब एंड पॉइंट पे एंड पीक पॉइंट पे हो जाते हैं ना, तुम नीचे से पीक वाला तब मिलते हैं. अब तो एमसीक्यू था तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं था. हाँ चलो चले, समझ आ गई. चलो अब आपका होमवर्क सुनिए, यू हैव टू ट्राई दिस एक्सरसाइज कंप्लीट. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नॉट इन द सिलेबस, एक्सरसाइज 9.4 नहीं है. एंड हाँ जी, लिसन इट वेरी केयरफुली नाउ प्लीज.